glass open, glass down, glass open, glass down. हेलो इंजीनियर्स, 30% तो आज आपके लिए लाए हैं एक स्मार्ट हेलमेट। ये स्मार्ट हेलमेट मैंने क्यों बोला है, तो ये जो है हेलमेट वॉइस के मदद से आपके ग्लास ओपन होता है और वॉइस के मदद से ग्लास बंद होता है। तो जब भी हम लोग बाइक राइड करते हैं तो ग्लास को अगर ओपन करेंगे तो हाथों से ओपन करना पड़ता है, तो ये बहुत ही एक दिक्कत सा बात है। तो लेकिन अभी जो मैंने गैजेट बनाया है इसको अगर घर पे बनाएंगे तो आसानी से आपके जो हेलमेट है उसको वॉइस के मदद से ओपन कर सकते हैं, ग्लास को बंद कर सकते हैं। और ये जो ग्लास है ये किसी भी भाषा में आप इसको कर सकते हैं, हिंदी, तमिली, उर्दू, इंग्लिश, किसी भी भाषा में आप इसको ओपन या बंद कर सकते हैं। तो ये जो स्मार्ट हेलमेट है इसको हम लोग आसानी से किस प्रकार से घर पे बना सकते हैं वो आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय JLC PCB। नया PCB के लिए गर्बल फाइल अपलोड कीजिए, थिकनेस, कलर, क्वांटिटी ये सब सेट करके सिर्फ $2 में ऑर्डर कीजिए कोई भी कलर PCB, अच्छे क्वालिटी PCB का भरोसा JLC PCB। और ऑर्डर देने के बाद 10 दिन के अंदर आपके पास पहुंच जाएगा आपका PCB। ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करें। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को इस डिवाइस को लेना होगा। तो इसका नाम अगर देखेंगे तो पीछे की तरफ है वॉयस रिकॉग्नाइजेशन मॉड्यूल वर्शन 3.1। तो ये जो डिवाइस है इसको जो प्रोग्रामिंग करना बहुत ही ईजी है। इसका जो प्रोग्रामिंग है इसके अंदर एक माइक्रोकंट्रोलर रहता है जिसके अंदर हमारे जो वॉयस है वॉयस स्टोर रहता है और वही वॉयस टैक्स होके मतलब टैक्स के नंबर से आउटपुट देता है। ठीक है, तो यहाँ पे चार इनपुट आउटपुट है, देखिए ग्राउंड है, BCC है, RX और TX, तो ये चारों से हम लोग इस पर वॉयस कंट्रोल कर सकते हैं। और इसको अगर खरीदेंगे इसके साथ आप लोगों को एक इस तरह का एक माइक्रोफोन जो कि दे देगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से जैक लगाएंगे, लगने के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी इसी माइक्रोफोन पे जो भी आप बात करेंगे वही इस पर स्टोर होगा। तो अभी चलिए ये जो प्रोजेक्ट है इसको हम लोग बनाते हैं और बनाने के साथ इसको किस प्रकार से प्रोग्रामिंग करते हैं वो भी हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को इस प्रकार का एक आर्डिनो लेना होगा। मैंने आर्डिनो नैनो ले लिया है, आप आर्डिनो ओनो भी ले सकते हैं, आर्डिनो मेगा भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग वॉइस रिकॉग्निशन मॉड्यूल को हम लोग इस पर फिट करेंगे। तो यहाँ पे हमने सेट कर दिया इसको, तो अभी इसका जो इनपुट आउटपुट है इसको हम लोग सेट करेंगे इसी आर्डिनो के साथ। तो अभी आप लोगों को दिखाते हैं इसका सेटिंग। तो पहला जो है वो होगा ग्राउंड, तो ग्राउंड को हम लोग इस प्रकार से लगा देंगे। ग्राउंड को ग्राउंड के साथ हम लोग इसको कनेक्शन करेंगे आर्डिनो के ग्राउंड के साथ। उसके बाद BCC यानी कि वोल्टेज हम लोग इस पर 5 वोल्ट प्रोवाइड करेंगे। तो इस पर जो 5 वोल्ट है आर्डिनो से ही ले लेंगे, तो आर्डिनो पे 5 वोल्ट हमने इस पर प्रोवाइड कर दिया। अभी RX और TX को, तो उसके बाद जो पिन आते हैं वो होता है RX, तो RX को हम लोग सेट करेंगे। तो RX का कनेक्शन हम लोग कर दिया, RX को हम लोग सेट करेंगे 3 नंबर पे। तो आर्डिनो के जो D3 होते हैं D3 पे RX को सेट करेंगे। उसके बाद आएगा TX, तो TX को फिर से कनेक्शन करते हैं, TX का कनेक्शन कर दिया यहाँ पे, और TX को हम लोग आर्डिनो के 2 नंबर पिन पे सेट करेंगे। तो अभी इसका कनेक्शन हो गया है, अभी सिर्फ हम लोगों को सिर्फ माइक्रोफोन जो है इसको हम लोग इस पर सेट करना होगा। तो माइक्रोफोन को इस पर लगा देते हैं, तो अभी ये लग गया है। तो अभी हम लोग इस पर वॉयस करेंगे, वॉयस करने के बाद जो भी वॉयस इसमें आएगा वो इस पर सेट हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले आर्डिनो पे प्रोग्रामिंग अपलोड करना होगा। तो अभी चलिए पहले हम लोग इसका प्रोग्रामिंग अपलोड करके वॉयस किस प्रकार से देते हैं वो सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रोग्रामिंग पे जाते हैं, तो प्रोग्रामिंग पे जाके पहले हम लोग सीखते हैं किस प्रकार से वॉयस को इनपुट करता है। तो हम लोगों को सबसे पहले जो वॉयस रिकॉग्निशन जो सॉफ्टवेयर है इसको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो इसको हम लोग डाउनलोड करके इसको ओपन करेंगे। करने के बाद यहाँ पे कुछ प्रोग्रामिंग आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं
ये है हेडर फाइल, इसको आप लोग पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा बॉयज रिनोवेशन मॉड्यूल का, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। तो इसको पहले मैं इंस्टॉल कर दिया, अभी एग्जांपल पे जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पे देखिए बीआर सिंपल ट्रेन लिखा रहा है, तो इसको हम लोग ओपन करेंगे। तो इसको जब भी ओपन करेंगे, तो ओपन करने के बाद तो अभी देखिए ये खुल गया है। तो इस पर हम लोग जब भी नीचे आएंगे, इस पर लिखा रहा है 2 नंबर को TX पे कनेक्शन करना होगा, 3 नंबर को RX पे कनेक्शन करना होगा। जैसे मैंने कनेक्शन किया है वैसे ही। तो इसको हम लोगों को कुछ नहीं करना है, जस्ट इसको अपलोड कर देना है Arduino पे। तो Arduino का जो जैक है इसको हम लोग सेट कर देते हैं पहले। तो अभी सिर्फ हम लोगों को टूल्स पे जाना होगा, बोर्ड सिलेक्ट करना होगा, पोर्ट सिलेक्ट करना होगा जो पोर्ट पे इस पे कनेक्शन किया है, करके जस्ट इसको अपलोड कर देना है। थोड़ा टाइम लगेगा, ये अपलोड हो जाएगा। तो अभी ये अपलोड हो गया है। तो अभी हम लोग सीरियल मॉनिटर खोलेंगे। तो सीरियल मॉनिटर पे क्लिक करने के बाद तो इस पर हम लोगों को सिलेक्ट करना है न्यू लाइन, ठीक है। तो न्यू लाइन पे क्लिक करेंगे और जो बैंड है इसको हम लोग 115/200 पर सेट करेंगे। तो करने के बाद इस पर कुछ कमांड इस पर आ गया है देखिए। तो आने के बाद हम लोग इसी कमांड को यूज करके हम लोग इस पर वॉयस करेंगे। तो यहाँ पे सभी कमांड लिखा आ रहा है, आप देख सकते हैं लूट कैसे करना है। और हम लोग इस पर वॉयस करेंगे। वॉयस करने के लिए ये जो कमांड है इसको हम लोगों को सिलेक्ट करना होगा। तो कर लिया है, अभी हम लोग इस पर यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो पेस्ट कर दिया, अभी इसको स्पेस दे के हम लोग 0 सेट करेंगे। मतलब 0 मतलब है जहाँ पे आप अपना जो पहला बॉयस सेट करेंगे वो 0 नंबर पे सेट होगा। उसके बाद आप जो भी बॉयस करेंगे उसके बाद जो बॉयस करेंगे उसको हम लोग 1 नंबर पे सेट करेंगे। मैं अभी आपको दिखाते हैं। तो पहले हम लोग 0 पे सेट करेंगे। 0 पे सेट करके हम लोग को और एक स्पेस देना होगा। देने के बाद इस पर क्या सेट करना होगा वो हम लोगों को लिख के रखना होगा। जैसे कि मैं ऑन सेट करूंगा, जैसे कि ON ऑन, तो ओ कैपिटल होना चाहिए। ये कैपिटल होने से प्रोग्रामिंग पे आसान होगा। तो हम लोग इस पर ऑन कर दिया। तो अभी जब भी इस पर सेंड करेंगे डाटा, जो सेंड करेंगे तो हम लोग किसी भी वॉयस को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। चाहे हिंदी कर सकते हैं, बांग्ला कर सकते हैं, इंग्लिश कर सकते हैं, तमिली, उर्दू, चाइना भाषा, कोई भी भाषा में आप इस पर वॉयस इस पर डाल सकते हैं। तो जैसे कि मैं इस पर वॉयस डाल रहा हूँ, तो मैं ऑन पर एक वॉयस डालूंगा, वो हिंदी में डालूंगा, ठीक है। इंग्लिश पे भी डाल सकते हैं, तो मैं इंग्लिश पे डालूंगा जो भी कुछ आप बोलेंगे। तो मैं बोल रहा हूं अभी ओपन 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 ओपन। तो अभी देखिए ये सेट हो गया। अगर ये रिसीव नहीं कर पाता तो ये बार बार इस प्रकार से लाइन आएगा स्पीकिंग करके, ठीक है। अगर हो जाएगा तो सक्सेस आ जाएगा और ये सक्सेस 1 हो गया है, ठीक है। मतलब 1 सक्सेस हो गया है और 0 नंबर पे हमने सेट किया है। तो क्या सेट किया है, ऑन। तो ऑन को हम लोग ओपन पे वॉयस करके सेट किया है। अभी हम लोगों को और एक लगाना होगा, लेकिन हम लोगों को इसी 0 पे ही लगाना होगा। इसको डिलीट नहीं कर पाएंगे, सिर्फ इसके ऊपर और एक वॉयस हम लोग डाल सकते हैं। जैसे कि मैं अभी 0 लिख के ही डालूंगा, 0 लिख के, जैसे कि मैं ऑफ डालूंगा, OFF ऑफ, ठीक है। तो ऑफ को हमने अभी सेट करेंगे, ऑन के जो नंबर है उस पर ही सेट करेंगे। हम लोगों को ऑन नहीं चाहिए, अभी मान लीजिए ऑन नहीं चाहिए, तो हम लोग को सिर्फ ऑफ पर ही हम लोग डालेंगे, वो भी ऑन के नंबर पे डालेंगे। तो अभी हम लोग सेंड करते हैं, बंद हो जाओ। तो अभी ये हो गया है, देखिए 0 नंबर पे ये सेट हो गया। मतलब पहले जो मैंने ओपन कहा था ऑन पे वो डिलीट हो गया है और उसी नंबर पे ये सेट हो गया, बंद हो जाओ। तो अभी और एक नंबर सेट करेंगे, तो अभी हम लोग 0 नहीं 1 देंगे, मतलब नया कुछ लिखेंगे, स्पेस देके उसके बाद हम लोग लिखेंगे, जैसे कि हम लोग ON लिख दिया। इस पर हम लोग लिखेंगे, जैसे कि हम लोग बोलेंगे स्टार्ट। तो अभी ये स्टार्ट पे
एक नंबर पे सेट हो गए हैं। जीरो नंबर पे क्या है, जीरो नंबर पे बंद हो जाओ है और एक नंबर पे स्टार्ट। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के लिए अभी हम लोगों को लूट, ये जो लूट है, लूट को हम लोगों को लिखना होगा ऊपर, इस लूट को। तो लूट हम लोग लिख देंगे, तो अभी लूट लिख दिया। लूट लिख के हम लोगों को क्या क्या सेट करना है, जीरो और वन को, जीरो स्पेस वन। तो इसको हम लोग देखेंगे, वॉइस करके देखेंगे ये काम करता है या नहीं करता। बंद हो जाओ, देखिए बंद हो जाओ कहने से ये ऑफ आ गया है। ओपन, बंद हो जाओ, ओपन, बंद हो जाओ, ओपन, स्टार्ट, सॉरी मैंने स्टार्ट पे सिलेक्ट किया है तो अभी देखिए ऑन आ गया है। स्टार्ट, स्टार्ट, बंद हो जाओ। तो देखिए कोई भी भाषा में मैं इस पर बोल सकता हूं और ये काम कर रहा है। बंद हो जाओ, स्टार्ट, देखिए ऑन आ गया है, ऑफ आ गया है। इस प्रकार से हम लोग कोई भी वॉइस हम लोग इस पर सेट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल सा एक चीज इस पर डालकर देखता हूं। जो एलईडी है, एलईडी को हम लोग वॉइस के माध्यम से ऑन ऑफ करेंगे। तो अभी देखिए ये अपलोड हो गया है। तो अभी जब भी इस पे वॉइस करेंगे, जो वॉइस हमने डाला था पहले उसी वॉइस को हम डालेंगे और ये एलईडी ऑन ऑफ होगा। स्टार्ट, बंद हो जाओ। तो आप जितने बार बोलेंगे ये वॉइस वही इतने बार ये काम करेगा। स्टार्ट, बंद हो जाओ। तो देखा आपने, इस प्रकार से ये काम करते हैं। तो अभी हम लोग इसी टेक्नोलॉजी को यूज करके अपना खुद का वॉइस डाल के इस पर हम लोग वॉइस डालेंगे अभी, जो कि ग्लास ओपन ग्लास डाउन, इस प्रकार से वॉइस डाल के हम लोग इसको रन करेंगे एक सर्वो मोटर पे। तो अभी देखिए हेलमेट पे मैंने फिट किया है, किस प्रकार से ये फिट किया है। तो ये आप खुद घर पे भी अपने तरीके से फिट कर सकते हैं। तो मैंने जिस प्रकार से फिट किया है वो मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे वॉयस जो रिकॉग्नाइजेशन मॉड्यूल है इसको यहाँ पे फिट किया है, आप चाहे तो अंदर भी फिट कर सकते हैं। तो यहाँ से माइक्रोफोन निकाल के हमने यहाँ पे डाल दिया, जो कि मुंह के सामने। तो जब भी इसमें बोलेंगे ये रिकॉग्नाइज करेगा। और करके वॉयस से आके पीछे की तरफ मैंने बैटरी लगाया है और आर्डिनो का सर्किट लगा दिया है। मतलब आर्डिनो, कोई भी आर्डिनो आप लगा सकते हैं पीछे की तरफ या फिर एक बॉक्स के अंदर भी फिट कर सकते हैं। तो इस बैटरी की मदद से इस पर पावर आएगा और जो प्रोग्रामिंग है इस पर डाल दिया है और यहाँ से आउटपुट आके यहाँ पे जो सर्वो मोटर हमने लगाया है। तो ये एक्चुअली सर्वो नहीं, एक स्टेपर मोटर है। आप कोई भी मोटर लगा सकते हैं, सर्वो मोटर लगा सकते हैं, स्टेपर मोटर लगा सकते हैं, जितना स्लिम होगा उतना देखने में अच्छा होगा। तो इस मोटर को हमने ग्लास के साथ कनेक्शन किया है और ये जो ग्लास है इस मोटर की वजह से अप एंड डाउन होगा। आप चाहे तो सर्वो मोटर भी इस पर फिट कर सकते हैं। तो यही है इसका सिस्टम। अभी चलिए इसको हम लोग सर पे लगा के इसको टेस्ट करते हैं, ये किस प्रकार से ये ओपन और बंद होता है। तो अभी ये हमने इसको सेट कर लिया है, अभी इसको हम लोग ऑन ऑफ करेंगे वॉइस की मदद से। ग्लास ओपन, ग्लास डाउन, ग्लास ओपन, ग्लास डाउन। तो देखा आपने किस प्रकार से आसानी से एक स्मार्ट हेलमेट हम लोग आसानी से घर पे बना सकते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, बाय।